सो है गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका सीक्रेट टेक्निकल चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सिविक ब्लेंडर की एक और अपडेट के बारे में। सो आइए जानते हैं क्या है वो अपडेट। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे गाइस। सो गाइस, इसका पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि अब सिविक वॉलंटियर का जो रिक्रूट करने की बात हो रही थी, ठीक है। और इससे पिछला वीडियो में आपको बताया सिविक वॉलंटियर का सैलरी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम अभी चल रही थी सिविक वॉलंटियर की। सो गाइस, फाइनली जो आपका सिविक वॉलंटियर का रिक्रूट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होकर आ चुका है गाइस। यहाँ पे जो सिविक वॉलंटियर का जो रिक्रूट का है वो यहाँ पे टोटली आ चुका है गाइस। तो फाइनली सबसे पहले मैं आपको इसको बताता हूँ कि इस तरह से आपको क्या करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगले लिंक से आपको यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। इस पीडीएफ फाइल को आप यहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर सकते गाइस। सो फाइनली इस पीडीएफ फाइल में देख सकते गाइस, डेट जो यहाँ पे लेटेस्ट डेट दिया हुआ गाइस 29 जुलाई का, ठीक है, 2019 का। तो फाइनली ये आपको लेटेस्ट आया हुआ गाइस, देख सकते यहाँ पे जो आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिस द कमीशन पुलिस ऑफ कोलकाता, ठीक है, 18 लाल बाजार रिसीट कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ गाइस। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया गया इस फॉर्म को जो फिलअप करने के लिए जो फंक्शन करने थे, मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये जो फॉर्म है गाइस, आप देख सकते हैं मेन और वोमेन, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। जो आपको 282 वैरायटी जिसमें वैकेंसी जो पोस्ट बचा हुआ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे गया गाइस, आपको 52 पोस्ट आउट ऑफ 5000, ठीक है, 52 पोस्ट आउट है 5000 से, ठीक है। मतलब आपको जो 5000 है उसमें से 52 पोस्ट यहाँ पे आउट हो चुका है गाइस, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपने मेंशन किया हुआ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ गाइस काफ़ी सारे, यहाँ पे सीरियल नंबर जो है 13 तक सीरियल नंबर टोटल दिया हुआ है। इसके बाद नीचे बात करें गाइस, तो यहाँ पे डिप्लोमेंट ऑफ यूनिट की बात आता है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा डिप्लोमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है गाइस। ट्रैफिक कोलकाता पुलिस, ठीक है, साउथ सबरन डिवीजन कोलकाता पुलिस, साउथ ईस्ट डिवीजन कोलकाता पुलिस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, यहाँ पे बहुत सारे जो भी डिवीजन के कोलकाता जो सारा कोलकाता का यहाँ पे आया हुआ गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं हेड क्वार्टर ब्रिज कोलकाता, ठीक है, सारा का सारा यहाँ पे गाइस दिया गया। यहाँ पे बात कर ले गाइस वैकेंसी फिलअप का, तो यहाँ पे वैकेंसी फिलअप में देख सकते हैं जो हमारा ट्रैफिक कोलकाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट पुलिस, इसमें गाइस यहाँ पे 80 है, ठीक है, उसमें से 10 है जो स्लीपर्स है, ठीक है, 10 जो स्वीपर्स है, इसमें से आपको जो है सारा सारा वैकेंसी यहाँ पे दिया गया गाइस। सेकंड वाला में आपका 10 से, ठीक है, और यहाँ पे 15 है, बाकी अधिकतर यहाँ पे 5 स्लीपर्स, देख सकते सारा सारा यहाँ पे वैकेंसी फिलअप यहाँ पे दिया हुआ गाइस। अब बात करते हैं यहाँ गाइस जो फ्रेश अमाउंट का, फ्रेश अमाउंट में गाइस सारा का सारा यहाँ पे 0 दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे बात करते हैं टोटल की, तो टोटल में आप देख सकते हैं 80 10 50 15 जो भी है, 50 तो नहीं 50, ठीक है, 80 10 15 8 30 10 8 25, इस तरह करके यहाँ जाएगा। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज गाइस यहाँ पे देखा जाए 334 है, ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 334 है, जिसमें गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे बताया गया है गाइस, यहाँ पे प्लम्बर में आपको 10 मिल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन में आपको 15 और स्वीपर और आपका कुक में 9 और 30, ठीक है। तो यस गाइस, ये सब काम आपको यहाँ पे आना चाहिए गाइस। यहाँ पे बात कर रहे थे थर्ड की बारे की, तो यहाँ पे देख सकते हैं हेड ऑफ सेक्शन बोर्ड इस जो आपका एड्रेस कलेक्शन एंड सबमिशन एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे गाइस देख सकते सारा का यहाँ पे डेट जो एड्रेस है वो मेंशन कर दिया गया, किस जगह पे आपको एड्रेस टाइप जो फिलअप करना है और आपको जो आप किस तरह से जो फॉर्म को सबमिट करना है, सारा सारा यहाँ पे जो एड्रेस है मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हो गया गाइस रिक्रूट का बात। अब बात कर रहे थे गाइस इस फॉर्म को आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको यहाँ पे नीचे मिलता है, आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना गाइस, सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते सिलेक्शन प्रोसेस मिल जाता है, किस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जैसे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर्म के बारे में, देख सकते यहाँ पे दिखेगा कि फॉर्म को अप्लाई आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट मेंशन किया गया, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ गाइस। देख सकते पॉइंट नंबर 1 पे जो बोला गया गाइस, ठीक है, सेल्फ एटेस्टोपी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपको जो पासपोर्ट है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, थ्रू आधार कार्ड, ई आधार कार्ड है ना विथ फोटोग्राफ, ठीक है, इसमें से कुछ आपको जो भी है आपको इसको कैरी करना है, ठीक है। सर पॉइंट 1 नंबर पे दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट 2 का, तो पॉइंट 2 में गैस बोला गया अटैच एड्रेस कॉपी एंड प्रूफ ऑफ एयर एड्रेस, ठीक है, मतलब आपको इसमें भी वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड विथ आपका जो फोटोग्राफी, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल तक आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, जिसमें कि आपका एड्रेस जो है यहाँ पे मेंशन किया होगा, ठीक है, उसको आपको ले जाना है। थर्ड में गाइस यहाँ पे बात करते थे गाइस, वन सेल्फ जो है बोला गया, वन सेल्फ एड्रेस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब आपको जो आपका आपको जो यहाँ पे फोटोग्राफ जो है आपको यहाँ पे कैरी करना है, ठीक है, फोटोग्राफ कैरी करना है, देख सकते हैं बड़ा इज टू बी पेस्ट इन योर राइट टॉप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिलअप करोगे, ठीक है, उसके राइट में आपको जो अपना फोटो का जो पासपोर्ट साइज होगा फोटो होगा उसको आपका फिलअप करना है, मीन वहाँ पर आपको साटना है गाइस, ठीक है। सो ये गाइस यहाँ पे 3 नंबर हो गया। अब गाइस बात कर ले चौथा का, तो सेल्फ एड्रेस कॉपी डॉक्यूमेंट लीगल प्रूफ और एज, ठीक है, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, स्कूल जो आपका स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट होगा, एडमिट कार्ड शोइंग, उसमें गाइस जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो शो होना चाहिए, ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो या फिर आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट हो, जिसमें भी आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद गाइस हमें बोला गया सेल्फ स्कोपी एजुकेशन एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर है, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे जो बोला जा रहा है, ठीक है, जो कॉपी टर्मिनल क्वालिफिकेशन जो मेंशन, अगर आपके पास यहाँ पे गाइस कोई भी आपका जो यहाँ पे अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई रिक्वायरमेंट का जो ले जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ गाइस इफ़ एनी वर्क एक्सपीरियंस, इफ़ एनी है, ठीक है, मतलब आपको अगर है तो आप ले जा सकते, अदरवाइज नहीं ले सकते। अब गाइस बात कर लेते जो एप्लीकेशन सबमिट के बारे में गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एप्लीकेशन सबमिटेड मोर देन वन यूनिट विल बी समरी रिजेक्टेड। अगर आप एक एप्लीकेशन से दोबारा फॉर्म, मतलब सपोज अगर आपका एक फॉर्म आपने दो बार भर दिया, फिर दो बार सबमिट कर दिया, तो गाइस आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देख सब सब मैं एक और बात मेंशन किया गया है, बी नंबर पे आप देख सकते हैं दिस एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूटी डेली, सॉरी दिस एप्लीकेशन फॉर्म डेली फिल टू अलॉन्ग द विद द पर्सन डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिट यहाँ पे पर्सनली नॉट बाय एनी अदर मीन्स। मीन्स यहाँ पे गाइस आपको बोला गया, ठीक है, जो आपका जो फॉर्म होगा, ठीक है, उसको आपको खुद से जाके सबमिट करना होगा, आप किसी और को देख के नहीं भेजा सकते, फिर आप चाहे तो किसी और फ्रेंड को दे दिया कि यार तुम जा रहे हो तो मेरा भी जाकर वहाँ फिलअप कर दो, ऐसा नहीं होगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं वो खुद से यहाँ पे जाकर ड्रॉप बॉक्स में देना होगा, ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पे देख ले ड्रॉप बॉक्स की लिखा हुआ, मतलब खुद से जाकर ड्रॉप बॉक्स में जाकर देना होगा, ठीक है। मेंशन ऑन टेबल लेवल पर योर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन इन द पोस्ट ऑफ सिविल वॉलंटियर, ठीक है, जो भी आपको खुद से जाकर यहाँ पे देना होगा गाइस। और गाइस यहाँ पे एक लास्ट बता गया गया, नॉट एप्लीकेबल विल बी रिसीव आफ्टर द लास्ट डेट एंड टाइम एंड रिस्पिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट और टाइम यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन का 6 अगस्त, ठीक है, और 2019 5 PM, ठीक है। इससे पहले अगर आपको फॉर्म को जो सबमिट कर देना होगा, अगर इसके बाद जाते हो गाइस तो आपका फॉर्म जो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो गाइस यही था एक छोटा सा अपडेट इस वीडियो में गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बंद मातर में जाएंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखें।